प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीटेट और सीटेट के अलावा अन्य भी किसी स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना इनकी पूरी की पूरी रहती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू उपाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए। तो इसका सही विकल्प आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कबीरदास जी हैं और ये बहुत ही मशहूर बहुत ही प्रचलित पंक्ति है कबीरदास जी की। इसके अलावा कबीरदास जी की और रचनाएं मैं आपको बता दूं, साखी, सबद, रमैनी और बीजक, इन कबीरदास जी की और भी अन्य रचनाएं हैं। चलिए अगला सवाल है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, स्क्रीन पर आप इसका उत्तर देख पा रहे होंगे। संत रैदास जो हैं इस कविता के इस पंक्ति के लिखने वाले हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर कि निम्नलिखित में से कबीरदास जी की रचना कौन सी नहीं है। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया था अभी कि कबीरदास जी की रचनाएं बीजक, साखी, सबद और रमैनी हैं। उसके अलावा और भी उनकी रचनाएं हैं लेकिन यहाँ पर विकल्प में यहाँ राम आरती जो है कबीरदास जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या है 4, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं, विकल्प देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, कबीरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, ये जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। इसके अलावा ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर किसी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी और यूपीटेट सीटेट की सीटेट में भी कि अष्टछाप कवि में कौन कौन से कवि आते हैं। आप इस बात को याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला सवाल, पद्मावत किसकी रचना है, तो नावादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। दोस्तों पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की एक रचना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास या कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। उसके अलावा सूरदास जी ने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन हैं, मलूकदास, नानक देव, मीराबाई या सूरदास। तो भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास। जैसे कि आपने अगर आप कक्षा 12 या 10 में रहे हो तो आपने पढ़ा होगा, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। इसी तरीके से और भी उसकी पंक्तियां हैं जो कि भ्रमर गीत से संबंधित हैं और इसको सूरदास जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 8 है, साखी के रचयिता हैं, तो साखी के रचयिता मैंने आपको पहले बताया था अभी, साखी, सबद, रमैनी और बीजक किसने लिखी हैं, कबीरदास जी ने। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, गीतावली की रचयिता हैं, तो गीतावली की रचयिता हैं हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने गीतावली के अलावा विनय पत्रिका और रामचरितमानस भी लिखा है। रामचरितमानस को 12वें रामायण भी कहते हैं और रामायण जो है हमारा अवधी भाषा में लिखा गया एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा साहित्य है। इसके अलावा आप कमेंट करके ये बताइए कि महाभारत किसने लिखा है। देखिए एक प्रश्न फिर से आया हमारा कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं, तो सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास या नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी तरह का था, दोनों ही क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं, तो हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं हमारे सूरदास जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, हिंदी काव्य जगत के चंद्रमा माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं सूरदास जी, सीधी सी बात, सा से सूर्य, सा से सूरदास, और हिंदी काव्य जगत के चंद्रमा माने जाते हैं तुलसीदास। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि हे खग, हे मृग मधुकर, श्रेणी क्या तूने देखी, सीता मृग नयनी, किसने लिखी है ये पंक्ति है, किसने लिखी है, तो ये पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी ने।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम। रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ किसका स्थान है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रस खान? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा तुलसीदास। रस खान ने और सूरदास ने कृष्ण भक्ति के अधिकतर रचनाएं लिखी हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? ये आपके लिए एक प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा उत्तर ठीक होगा। एक ज्योति थे सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सुधा, ये लिखी है कबीरदास जी ने क्या? दूसरा विकल्प है पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पग दीजिए, ये किसने लिखी है? उस्मान ने। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, ये लिखी है मीरा ने। मैयारी मोही माखन मावे, ये किसने लिखी है? कबीरदास जी ने। दोस्तों इसके जितने भी युग्म हैं ये इनमें से कौन सा गलत है और इसका सही उत्तर क्या है, आप इस बात को कमेंट करके बताएं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम कि इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट, पद्मावत तथा कान्हावत, आखिरी कलाम, सभी की सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। इस विकल्प की अखरावट भी, पद्मावत भी और आखिरी कलाम भी। इनमें से रसखान की रचना कौन सी है बताइए? तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला, ये सभी रचनाएं जो हैं रसखान की लिखी हुई हैं। और रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं हम कि उत्तर मध्य काल कब से कब तक है? 1650 से 1850 तक, 1650 से 1750 तक, 1350 से 1650 तक या 1450 से 1750 तक? सही विकल्प है इसका 1650 से 1850 तक उत्तर मध्यकाल है। अगला प्रश्न, रीति काल की कितनी मुख्य प्रवृत्तियां थी? तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा दूसरा। अगले सवाल पे आते हैं, बर्मे रामायण के रचनाकार कौन है? तो बर्मे रामायण मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से सुमेलित है, यानी कि कौन सा जो है विकल्प सही है? क्या हंसावली असाइत ने लिखी है, लोर कहा मुल्ला दाऊद जी ने लिखी है, चित्रावती उस्मान ने लिखी है या फिर सभी सही? तो इसका सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। इनमें से केशव दास की रचना है, तो इनमें से केशव दास की रचना कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ए तथा बी दोनों या वैराग्य संदीपनी? तो केशव दास जी की जो रचना है वो दोनों है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, रीतिकाल कवियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो, तीन, चार या पाँच? तो इसका सही विकल्प है हमारा तीन। रीतिकाल कवियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में। अगला सवाल है कि रीतिकाल को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व काल, उत्तर काल या उत्तर मध्यकाल? तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। और उत्तर मध्यकाल की समयावधि क्या है? अभी जस्ट बिल्कुल इससे पहले का एक प्रश्न था जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कमेंट करके बताइए कि उत्तर मध्यकाल की समयावधि क्या है। चलिए सवाल नंबर 25, कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला सवाल है, इंद्रावती के रचनाकार हैं? तो नंददास, मलूकदास, नूर मोहम्मद, तो सही इसका विकल्प हो जाएगा नूर मोहम्मद। अब आते हैं कि उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या मिश्र बंधु ने? तो इसका सही विकल्प आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मिश्र बंधु ने। सवाल नंबर 28 है कि इनमें से सूरदास का शिष्य नहीं है, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास या कृष्णदास? तो नंददास जो है सूरदास के शिष्य नहीं है।
अब आते हैं उत्तर मध्यकाल को रीति काल किसने कहा था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है। और रीति काल को श्रृंगाल काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप ध्यान रखें। इनमें से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, रामाज्ञ प्रश्नावली या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी। अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है केशवदास। कवि बिहारी रीतिकाल के किस वर्ग में आते हैं? तो रीति सिद्ध कवि में आते हैं। अगला सवाल है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रयत किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि हिंदी साहित्य को चार वर्गों में किसने बांटा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ही आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जितनी भी अधिकतर रचनाएं हुई हैं वो सभी वीरों की वीरता को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि पृथ्वीराज रासो लिखी है चंदवरदाई ने, और चलिए अगला सवाल, बीसल देव, नरपति नहलय, और भी बहुत सी रचनाएं हैं जो आदिकाल की हैं वीरगाथा काल से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि में शामिल कौन से हैं? केशवदास, चिंतामणि, मतिराम या उपर्युक्त सभी? दोस्तों इसका विकल्प है उपर्युक्त सभी। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है विकल्प दो से, चिंतामणि। चिंतामणि जो है किसकी लिखी रचना है? चिंतामणि लिखी रचना है हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन चिंतामणि एक लेखक भी रहे हैं, चिंतामणि त्रिपाठी, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। बीजक में किसका संकलन है? साखी, सबद, रमैनी। ठीक, उपर्युक्त सभी। हरिदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्री भट्ट ने, हरिव्यास में ने, स्वामी राम ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। प्रसिद्ध पंक्तियों के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पंक्ति के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका और अशोक के फूल नामक रचनाएं भी लिखी हैं। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधित्व कवि हैं कौन से? रामानुज, कबीर, नाभदास या तुलसीदास? तो सही विकल्प इसका तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तुलसीदास जी। सवाल नंबर 40, माता पिता की जो ममता अपने संतान पर बरसती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बात्सल्य। बीजक के रचनाकार हैं कबीरदास। रतन खान ज्ञानबोधक के रचनाकार हैं मलूकदास। रीतिकाल के मुख्य प्रवृत्तियां हैं, कितनी मुख्य प्रवृत्तियां हैं? दो। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल कवियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तीन वर्गों में। रीतिबद्ध के कवि कौन कौन से हैं? केशवदास और चिंतामणि। अब देखिए चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि एक रचना भी है और चिंतामणि एक कवि भी है। ठीक है, चिंतामणि की रचना कौन सी है? रसविलास, काव्य विवेक और छंद विचार, ये सभी। अगला प्रश्न है हमीर रासो के रचनाकार कौन है? तो जोधराज। और खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। अगला प्रश्न है 48, द्विवेदी युग कब से कब तक रहा था? 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो इसका सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति पदक। प्रश्न संख्या 51, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल।
अगला प्रश्न है कि छायावादी प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि छायावाद के और भी एक कवि हैं, कवियत्री हैं, उनका क्या नाम है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? आप कमेंट करके बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 53 है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद इसका सही विकल्प है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीटेट और सीटेट में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।